गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे एंड जा रहे हैं अभी माता रानी का दर्शन करने, वैष्णो देवी का चढ़ाई करने के लिए। सो हमारे साथ बने रहिए और एंजॉय करिए। वैष्णो देवी का चढ़ाई करने से पहले सबसे पहले हम जा रहे हैं आईडी कार्ड बनाने। यहाँ पे निहारिका कॉम्प्लेक्स था जहाँ पे आईडी कार्ड बनाते हैं। आपका कोई भी आईडी दे करके वो लोग आईडी कार्ड दे देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अभी हम सब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अभी हम सब जाएंगे बाणगंगा, वहाँ से हम लोग पैदल यात्रा करेंगे माता की मंदिर तक, नहीं अर्धकुमारी तक जाएंगे हम पैदल यात्रा करके। तो गाइस ये देखिए यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है, आपको सामने नज़र आ रहा होगा माता का मंदिर का गेट, फिर हम चढ़ाई करेंगे। हम लोग चढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे चेकिंग चल रहा है, एंट्री है ये। सबसे पहले हमारी चेकिंग होगी, ये गेट से अंदर आते ही हमारी चेकिंग होगी, उसके बाद हम चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सो गाइस हम लोग अर्धकुमारी तक पैदल गए थे, उसके बाद हमने हॉर्स कर लिया था, हम लोग हॉर्स राइड करते हुए गए थे कुछ दूर तक, फिर उसके बाद हम फिर से पैदल चल के गए थे माँ के मंदिर तक। अभी बज रहे हैं रात के 8:30, अभी भी हम चढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी फिर भी कितना टाइम लिया? और 2 घंटा, 2 घंटा और लगने वाला है। थकावट तो थोड़ा लग रहा है लेकिन मजा बहुत आ रहा है। जय माता दी, जय माता दी। तो फाइनली हम लोग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, बस हमारी एंट्री हो रही है मंदिर में। बहुत ही ज़्यादा भीड़ था और बहुत ही ज़्यादा ठंड था, ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और यहाँ पे लॉकर में हमने अपना सामान रख दिया था और ठंड तो काफ़ी ज़्यादा था जैसा कि आप मुझे देख सकते हैं। मंदिर के अंदर फ़ोन नहीं ले जाने देंगे इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। सो फाइनली मंदिर का दर्शन करने के बाद, वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और हम आ गए थे पिज़्ज़ा खाने। ये नो अनियन नो गार्लिक पिज़्ज़ा था, सो हम लोग बहुत ही आराम से खा रहे थे। एनी को नींद लगी थी बहुत ज़ोर से, मुझे भी नींद लगी थी और नींद से ज़्यादा भूख लगी थी। फिर उसके बाद जाएंगे हम भैरव जी का दर्शन करने। हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं 2:30 और हमारा दर्शन अच्छी तरह से हो गया, माता रानी का भी हो गया और भैरवनाथ का भी हो गया। बहुत ही अच्छा लगा, मन को बहुत ही शांति मिली। अभी हम लोग यात्री निवास में हैं और ये गए हैं रूम्स चेक करने, रूम खाली है कि नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि रूम खाली होगी क्योंकि बहुत सारे भक्त यहाँ पे आए थे, बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। सो आप भी कभी यहाँ आइए और यहाँ का व्यू देखिए, यहाँ का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। नाइट के टाइम में जो ऊपर से माउंटेन से लाइट्स नज़र आती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और आप वीडियो देखिए, आगे भी बहुत सारा मैं अपलोड करूँगी। मंदिर के अंदर में फ़ोटोग्राफी प्रोहिबिटेड थी एंड कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक फ़ोन, लैपटॉप, कैमरा ये सब अलाउ नहीं था, इसीलिए मैं अंदर का वीडियो नहीं ले पाई। बट मैंने पूरा ट्राई किया है अपने इस जर्नी को, इस ट्रिप को कवर करने का। सो आप लोग देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। एट लास्ट फाइनली
हम लोग नीचे उतर रहे हैं, दर्शन हो चुका है बहुत ही अच्छे से, वैष्णो देवी का भी हो गया, भैरव जी का भी हो गया, मजा आ गया दर्शन करके। अभी बज रहे रात के 3:30। हालत खराब हो गया। अब मिलते हैं होटल जाके, बाय बाय। तो गाइस हम लोग होटल में आ चुके हैं, अभी बज रहे सुबह के 7:30। काफ़ी लंबा जर्नी हो गया था ऊपर चढ़ाई करना और नीचे उतरने का, तो आप वीडियो देखिए आपको खुद ही समझ आ जाएगा। हम दोनों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम चले सोने, बाय।